हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन ड्राइव इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ये कार करीब करीब 9 दिनों के बाद ऑन करने जा रहे हैं। सो आज हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज कार की बैटरी डाउन हुई है और ऑक्स बैटरी पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा है। सो अभी हमने इस कार को 13 मार्च को बंद किया था और आज 22 है। सो आज इसे हम टर्न ऑन करके देखते हैं किसकी बैटरी परसेंटेज क्या थी। जब हमने इसे बंद किया था तब 84 थी। अभी इसे ऑन करके देखेंगे कि अभी क्या परसेंटेज है। सो सबसे पहले हम इसे अनलॉक करेंगे। अनलॉक हो गया, डेट मीन ऑक्स बैटरी ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। वैसे तो 84 ही दिखा रहा है, लेकिन हम ब्रेक दबा के एक बार रेडी मोड में लाते हैं। लेट्स सी। सो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी भी 84 ही है। डेट मीन्स नौ दिनों में अभी 1% भी बैटरी डाउन नहीं हुई है। इसे मैंने अंडरग्राउंड में वैसे इस कार को मैंने अंडरग्राउंड पार्क किया था। सो आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन में पार्क थी। अगर ये कार धूप में पार्क होती तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। सो लेट्स सी, अभी मैं इसे अंडरग्राउंड से निकालता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे बाहर लेके आ गया हूँ। अंडरग्राउंड से चढ़ाया भी और करीब करीब 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो स्टिल इट इज़ 84%। डैट मीन्स हमारी बैटरी बहुत ही मिनिमल डिस्चार्ज हुई होगी या नहीं हुई है बिल्कुल। सो अगर आपको कभी भी अपने नेक्सॉन ईवी को लंबे टर्म के लिए छोड़ना हो तो मेक श्योर कि आपकी बैटरी 50 से 80 के बीच में हो, फुल चार्ज ना हो और बिल्कुल ही डिस्चार्ज ना हो। अगर आपको लंबे पीरियड के लिए अपनी कार को कहीं पार्क करना हो, सो मेक श्योर इट्स बिटवीन 50 to 80। सो दैट वुड बी ग्रेट। और अगर आपको महीने भर से ज़्यादा के लिए बाहर जाना हो तो मेक श्योर कि ऑक्स बैटरी भी आप निकाल दें, सो दैट आपकी ऑक्स बैटरी ड्रेन ना हो। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा।